बकरीद के दिन कुर्बानी जहां होगी वह सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित स्थल और पहले से चली आ रही वहीं पर होगा। हम सुनिश्चित करें कि यह स्थान कोई सड़क, कोई चौराहा या कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या कोई ऐसा स्थल न हो जहां को लेकर के अनावश्यक विवाद हो, और कुर्बानी के बाद जो भी वहां पर सॉलिड वेस्ट पड़ा हो उन सबको निस्तारण करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। चाहे वह आयोजक करें, चाहे वह नगर निकाय या पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए लोग करें, इस व्यवस्था को पहले से सुनिश्चित होना चाहिए कि कुर्बानी के तत्काल बाद उसकी सफाई की व्यवस्था भी हो जाए, जिससे गंदगी न होने पाए। और वह जो सॉलिड वेस्ट आप डालेंगे वह एक ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बस्ती से दूर हो, नहीं तो बहुत तेज बदबू करेगा, उसके बाद तमाम प्रकार की बीमारियां और अन्य संक्रामक बीमारियां वहां पर होने के खतरे होते हैं। इन चीजों को सुनिश्चित करेंगे, उसको पानी में बहाएंगे भी नहीं, यह भी सुनिश्चित करेंगे। जल जमाव न हो कहीं भी नगरीय क्षेत्र में, चाहे वह बकरीद से जुड़े हुए आयोजन हो, कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए हो, नागपंचमी के कार्यक्रम हो, या फिर श्रावण पूर्णिमा के या सावन जो मेला लगता है अयोध्या में, कहीं भी जल जमाव न हो। और 31 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में मुहर्रम भी है। देखिए सभी आयोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मुहर्रम के दौरान इस दिशा से इसकी कार्य योजना बनाने के लिए जो हम लोगों ने धर्म गुरुओं के साथ संवाद बनाने की कार्रवाई को विभिन्न अवसरों पर अपनाया है, उसको हम पहले से ही तैयारी कर लें, और बहुत सारे जनपदों ने इस पर अपना कार्य प्रारंभ भी किया है, और मुझे लगता है कि हमें इसको एक निरंतरता देनी चाहिए। संवाद बनाने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये निचले स्तर पर कहीं पर थानाध्यक्षों थाना स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंगों के माध्यम से और थानाध्यक्षों के और अन्य जो हमारे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर हैं इनके माध्यम से भी कुछ धर्म गुरुओं के साथ, पुजारियों के साथ या अन्य जो मौलवी हैं उन सब के साथ हम लोगों को संवाद बनाने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। समाज के जो मानिंद हैं अलग अलग तबके के, उन लोगों के साथ भी संवाद बनाने में हमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। पर्व और त्यौहार कोई भी हो, शासन की जिम्मेदारी बनती है वहां पर सुविधा देना और सुरक्षा का बेहतर माहौल देना। कोई भी पर्व और त्यौहार हो परंपरागत तरीके से हो, परंपरा से हटकर कुछ भी हम न होने दें। आयोजकों के नाम नोट करें, आयोजकों से हम लोग एप्लीकेशन जरूर लें और उनसे सुनिश्चित जरूर कराएं। हमने गृह विभाग को भी मैंने एक परफॉर्मा उपलब्ध करवाया था कि उसे हर एक जनपद में उपलब्ध कराएं और उसी के माध्यम से अनुमति भी सुनिश्चित कराएं। शर्तें जोड़िए उसमें कि वह कहीं भी शांति को भंग करने वाली व्यवस्था, कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे शांति व्यवस्था भंग होती हो, या किसी जाति मत मजहब वर्ग संप्रदाय या किसी भी अन्य उसकी भावनाएं आहत होती हैं, कोई भी इस प्रकार की बयानबाजी न हो। इस पर ध्यान देने के लिए हमें जहां व्यवस्था बनानी पड़ेगी वहीं साथ ही साथ हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे। बकरीद के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ और इस आयोजन के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे उन सभी के साथ हमें संवाद बनाना होगा। कांवड़ यात्रा के लिए भी हमें कांवड़ संघों के साथ, कांवड़ संघ हैं बने हुए हर एक जगह, उनसे भी संवाद बनाना पड़ेगा। अगर हम उसी स्तर पर संवाद बनाएंगे तो बाद में जब ये भीड़ इकट्ठी होती है तो उस समय समस्या नहीं खड़ी होती है, तब ये कार्यक्रम एक रूटीन का हिस्सा बन जाता है, फिर उसमें कोई समस्या पैदा नहीं होती है। यह सुनिश्चित करें, क्योंकि ये सारे कार्यक्रम पड़ेंगे और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम भी होगा, जो बात क्योंकि अमृत महोत्सव है आज़ादी का, तो इस अवसर पर कुछ विशेष आयोजन होंगे, उन आयोजनों के साथ पूरा प्रदेश जुड़ेगा। तो जितने भी ऐसे तत्व हैं जो एंटी सोशल हैं, एंटी नेशनल हैं, वे कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे, माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे, इसलिए सतर्कता और सावधानी, इसके लिए संवाद हमारा महत्वपूर्ण है और संवाद के माध्यम से इसके समाधान का रास्ता निकालना, इसकी समीक्षा रेंज स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, जोन स्तर पर निरंतर होती रहे।
मुहर्रम के अवसर पर भी मुहर्रम से जुड़े हुए जो अलग अलग ताजिया लेकर के जाते हैं उनके साथ पहले से संवाद होना चाहिए। कहीं भी कावड़ यात्रियों का और मुहर्रम के जुलूस आपस में टकराने की नौबत ना आने पाए इसके लिए पहले से रूट तैयार कर लेना, पहले से सुनिश्चित करना कि किसी की भावनाएं आहत भी न हो और दोनों कार्यक्रम संपन्न हो जाएं, परंपरा का उल्लंघन भी कहीं न हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे और इस पर हम लोग पहले से ही ध्यान देंगे जिससे कहीं भी कोई बात न हो।